हेलो याली मदर, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। चलो आज अपने नूरी के किचन में अपन क्या बना रहे, आज अपने नूरी के किचन में अपन मच्छी बना रहे। ये फ्राई फिश बना रहे पटेटो के साथ, ये बहुत ही लजीज टेस्टी बनती है। चपाती के साथ खाओ या राइस के साथ खाओ। तो चलो शुरू करते हैं, इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है। चलो अभी आज अपन ने फिश फ्राई बनाते पटेटो के साथ। फ़िश फ्राई के इन्ग्रीडियंट्स है अपने पास, 1 पाउंड तिलापिया लिए मैंने, इसको मैंने धो के नमक और लेमन जूस लगा के रखा था। यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा मसाला है, इसको अपन पीसेंगे। ये 3-4 कड़ी लहसुन की है, थोड़ा अदरक है, 1 हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है और 1 टमाटर है। तो इसको अपन ब्लेंड कर चॉप करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 आलू लेके रखा है काट के। यहाँ पे ये मसाला है अपने पास, ये 1 चम्मच भरकर ने सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ, ये 1 चम्मच है ना तो मच्छी का मसाला, फ्राई फिश का मसाला है। ये हल्दी है, ये साबुत धनिया है उसको मैंने कूट के रखा है, ये लाल मिर्च की बुकी है और ये धनिया जीरा है। तो अभी और ये है ना 2 चम्मच है ना चने का आटा है। तो अभी आप मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से अपन मैरिनेट करेंगे। ये मसाला भी अपन पीसेंगे, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती। इसको अच्छी मज़े से स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। इसके अंदर है ना ये सब ड्राई मसाला है ना, वो डाल देंगे अपन, और ये बेसन भी डाल देंगे चने का आटा। कितना मजे अच्छा स्मूथ पेस्ट हो गया ना, इसको अपन निकाल लेते प्लेट में। अब ये अपन मच्छी पे लगाएंगे, ये मछली है ना अपनी फिश, इसके ऊपर अपन लगाएंगे। फिश पे मैंने नमक लगा के रखा था और थोड़ा सा लेमन जूस डाला था। अभी ये मच्छी पे अपन मसाला लगाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर इसकी बैक साइड पे भी लगाएंगे मसाला। मसाला लगा के 3-4 घंटे रख दो तो इसमें बहुत अच्छी तरह से मसाला चढ़ जाता है। फिर इसको फ्राई करो। देखो ये मसाला तैयार है। चलो आपको मिलेंगे 1/2 घंटे के बाद। चलो अभी अपन फिश फ्राई करते हैं। ये फ्राई पैन रखा है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के ये पटेटो है ना, पहले पटेटो को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये पटेटो फ्राई हो गए, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फिर ये फिश डालेंगे अंदर, ये फिश डाल दे रहा हूँ। इसको मीडियम पे फ्राई करेंगे। चने का आटा डालते हैं ना तो फिश चिपकती नहीं है, टूटती नहीं है, अच्छी मतलब कि क्रिस्पी बनती है। स्लोली इसको टर्न ओवर करेंगे। और थोड़ी ब्राउन होने देंगे। चलो आज अपन है ना फिश के कटलेट बनाते हैं। ये फिश के कटलेट बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, मज़े के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये फिश के कटलेट्स के लिए मैंने 1 पाउंड तिलापिया लिए फिश, और इसको मैंने बॉईल किए, इसमें थोड़ा सा हरा मसाला डाल के, नमक डाल के, और मैंने बॉईल करके रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मसाला लिया है, थोड़ी धनिया पत्ती है, 2 छोटी सी अदरक की टुकड़ी है, यहाँ पे हरी मिर्च है आधी, और ये 3 क्लोव्स है लहसुन के है। यहाँ पे 3-4 मैंने हरी प्याज चॉप करके रखी है, और यहाँ पे सिलांट्रो चॉप करके रखा है। यहाँ पे ये सूखा मसाला है, ये अजवाइन है, ये लाल मिर्च है कुटी हुई, ये धनिया कुटा हुआ है, यहाँ पे काली मिर्च है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ। तो ये सब किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने 5 मीडियम साइज़ के पटेटो लिए है, इसको मैंने बॉयल करके, पील करके मैंने रखा है। यहाँ पे ये मैंने 1 अंडा लिया है, इसको बीट करके रखा है ये ब्रेड क्रम्स से। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। अभी देखो मैं ये मसाला पीस रही हूँ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती।
अब इसके अंदर मैं ये सब सूखा मसाला है ना वो डाल दूंगी, एक साथ में ये सब ब्लेंड हो जावे। तो ज़्यादा नहीं पीसने का है, थोड़ा सा मोटा रखने का है। अब ये आलू है, इसको अपन मैश करेंगे। अपने आलू मैश हो गए, अभी अपन इसमें ये मछली बॉईल करके रखी थी ना वो डाल देंगे। थोड़ा सा ऐसा हाथ से क्रंच कर डालेंगे, इसमें अपन ये मसाला पीस के रखे थे ना वो डाल देंगे। इसमें ये धनिया पत्ती और हरी प्याज है ना ये भी डाल देंगे। इसको डाल के अभी सबको मिक्स करके नहीं अच्छा मज़े का डो बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मच्छी में तो डाला था मगर थोड़ा आलू में। अच्छी तरह से इसको सब मिक्स कर देना। अभी अपना ये मिक्सचर बराबर बन गया है, सब इसको अपन है ना था छोटे छोटे तकरीबन 2 ounce के जितना है इतना ये मिक्सचर लेंगे। जितना जो साइज़ के आपको बनाने हो ना पैटिस कटलेट वो साइज़ के आप बना सकते हो। अच्छी तरह से इसको प्रेस करके ना बनाना। अब ये फिश कबाब तैयार है, अभी इसको अपन है ना तो ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। ब्रेड क्रम्स में रोल करके रखेंगे, जब सब हो जाएंगे ना तो फिर इसको अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा तो फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें सब पका हुआ है ना, मच्छी भी पकी हुई है, मछली भी, आलू भी पका हुआ है, तो अभी इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आ सकते बन कबाब, मछली के बन कबाब। सब रोल अप कर लिया ब्रेड में। देखो ये मैंने अंडे में डिप किया, अभी मैं ऑयल में डाल रही हूँ। बराबर डिप करना इसको ताकि टूटे नहीं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, अंडा नहीं तो जल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अभी ये आखिरी डाल रही हूँ मैं। अभी देखो ये मेरी कबाब फ्राई हो रही है, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना, हाई पे नहीं करना वरना ये काली हो जाएगी। अच्छा मज़े का गोल्डन ब्राउन कलर हो ना तो टर्न कर लेना। आपकी जितनी कढ़ाई बड़ी हो ना इतनी कबाब डालना, ऐसा नहीं कि सब साथ में डाल देना। जैसे मैं देखिए ब्राउन हो रही है ना, गोल्डन ब्राउन। अभी ये सब कबाब हो गई है, अभी अपन डिश आउट कर रहे हैं इसको। इसको डीप फ्राई किया है मैंने, कैसे मस्त बन गई है ना, न काली हुई है, न जली है, न टूटी है, न कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। आज हमने देखो ये फिश की आइटम बनाई है, बहुत ही अच्छी बनी है। ये फ्राई फिश है पोटैटो के साथ, बहुत ही लजीज बने है, टेस्टी है, डिलीशियस है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये फिश कटलेट है आलू के साथ, ये भी बहुत अच्छे बने, टेस्टी है, डिलीशियस है, दोनों की खुशबू बड़ी अच्छी प्यारी आ रही है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और मेरे कमेंट में लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कैसा बना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अगली रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़, प्याली मदद, बाय।